What's up you guys, a very warm welcome and welcome back to our channel. Hello, I'm Porna and I hope you all are doing well. So आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये ग्लैमरस गॉर्जियस इंडियन वेडिंग गेस्ट मेकअप ट्यूटोरियल. ये ट्रेडिशनल मेकअप ट्यूटोरियल से थोड़े से हटके है क्योंकि इस लुक के साथ मैंने एक ब्यूटीफुल सी चौकर और एक हुप इयरिंग्स को पेयरअप की है. सो आई थिंक अगर आप थोड़ी ट्रेडिशनल से हटके एक मॉडर्न इंडियन वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक क्रिएट करना चाहते हो देन दिस लुक इज जस्ट परफेक्ट फॉर यू. और इस मेकअप को इस चौकर ने और के हुप इयरिंग्स ने और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बना दी है. सो यस, नाउ without further wasting time let's jump into this video. और वीडियो में जाने से पहले please subscribe कर लीजिए. subscribe करने के बाद notification bell icon को भी hit कर दीजिए ताकि मेरी हर एक videos के notifications आप तक automatically पहुंच जाए. so yes, now without further wasting time let's jump into this video. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू यूज़ गार्नियर लाइट कम्पीट विटामिन सी सीरम. सो ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज करने के साथ साथ काफ़ी ब्राइटन करेगी जो विंटर के लिए हमें चाहिए. नेक्स्ट एज अ मॉइस्चराइजर आज मैं लगाऊंगी लैक्मे एब्सोल्यूट की हाइड्रो प्रो जेल क्रीम. ये ईच एंड एवरी स्किन टाइप के लिए अच्छी है और आपकी स्किन को एक रेडियंस ग्लो भी प्रोवाइड करती है. सो मेकअप से पहले एक अच्छी बेस पाने के लिए डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हो. सो एज अ प्राइमर आज मैं लगाऊंगी लैक्मे एब्सोल्यूट ये ब्लर परफेक्ट मेकअप प्राइमर. ये आपके स्किन को वेलवेटी स्मूथ बना देगी तो मेकअप के जो फर्दर एप्लीकेशन है वो बहुत ही अच्छे से हो जाएगी और ये आपके मेकअप को काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी बनाने में मदद करेगी. सो एज अ कंसीलर आज मैं लगाऊंगी मेवलिन फिटमी की ये कंसीलर. इसे मेरी शेड है 25 मीडियम. ये आपको काफ़ी अच्छी एक कवरेज प्रोवाइड करती है और काफ़ी क्रीमी है तो ब्लेंडिंग में भी बहुत आसानी हो जाएगी. सो जनरली विंटर में फाउंडेशन बहुत ड्राई हो जाती है. सो इस विंटर में आप लैक्मे 925 की ये प्राइमर प्लस मैट फाउंडेशन को ट्राई कर सकते हो. ये आपको एक बिल्डेबल कवरेज प्रोवाइड करेगी एंड दिस इज सुपर क्रीमी. ईच एंड एवरी स्किन टाइप के लिए सूटेबल है. बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाती है और इसमें प्राइमर भी है सो आपके मेकअप को ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग बनाएगी. नेक्स्ट आज मैं सिर्फ मेरे अंडराइज पोर्शन को सेट करूंगी. उसके लिए मैं लगा रही हूँ वेट एंड वॉइल कंट्रोलिंग पैलेट में ये जो यहाँ पे जो प्रेस्ड पाउडर है इसे. अब मैं एक स्पूल की मदद से अपनी आईब्रोज को कोम कर लूंगी. उसके बाद मेरे जो आईब्रोज के गैप्स है उसे फिल कर लूंगी ताकि मेरी आईब्रोज एक प्रॉपर शेप पे रहे. सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज मेकअप रेवोल्यूशन प्रीटी इनक्रेडिबल आई शेडो पैलेट. और इस आई शेडो पैलेट को इस्तेमाल करके ही मैं मेरी फुल आई लुक को क्रिएट करूंगी. उसके बाद मैं लगा लूंगी हिलारी रोडा की ये ग्लिटरी आई शेडो. सो आप इसे ग्लिटर आई लाइनर के हिसाब से भी लगा सकते हो. सो मैं इसे लिड्स पे लगा लूंगी और फिंगर टिप्स की मदद से अच्छे से फुल लिड्स पे ब्लेंड कर दूंगी ताकि सिर्फ ये ना लगे कि मैंने सिर्फ एक ही पोर्शन में ग्लिटर लगाई है. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई लैक्मे एब्सोल्यूट कोल अल्टीमेट काजल पेंसिल. ये बहुत ही क्रीमी और इंटेंस ब्लैक एक काजल पेंसिल है. सो इसको मैं मेरी लोअर लैश लाइन पे लगा लूंगी.
आईलैश कर्लर की वजह से कर्ल करने के बाद अब मैं लगाऊंगी वर्जिन वॉल की ये मेगा प्रोटीन वॉल्यूम मस्कारा। सो ये आपके लैसेस को एक काफ़ी वॉल्यूम ऐड करेगी। सो विंटर में जनरली मस्कारा बहुत ड्राई हो जाती है, सो फॉल ऑफ्स हो जाती है, बट ये मस्कारा आप ट्राई करके देख सकते हो, ये बहुत ही क्रीमी है और ईजिली आपके लैसेस को एक अच्छी खासी वॉल्यूम ऐड करेगी। फेस को स्कल्प्ट करने के लिए आज मैं लगाऊंगी मेकअप रेवोल्यूशन की ये कंटूरिंग पैलेट और इसमें जो लाइट कंटूर शेड है इसको मैं लगा लूंगी। उसके बाद उस सेम पैलेट में जो शिमरी पिंकिश ब्लश है उसको मैं लगा लूंगी एंड वही सेम पैलेट से जो हाइलाइटर है, ये हाइलाइटर बॉम है, बहुत ही पिगमेंटेड है ये, सो इसको मैं लगा लूंगी। नेक्स्ट लॉरियल पैरिस के ये रूट सिग्नेचर लिक्विड लिपस्टिक को मैं लगाऊंगी। ये इसका शेड है 103 आई रेडी। That's it for today's video. I hope आपको ये मेकअप ट्यूटोरियल पसंद आई है। Do let me know in the comment section below कि आपको कैसी लगी ये मेकअप लुक। अगर पसंद आई then do like and share and yeah, चलिए मिलते हैं मेरे next video में बहुत ही जल्दी। Till then, take care of yourself and I love you all. Bye bye.